डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना सर्कल में रविवार को महेंद्र अपने जीजा विशाल के साथ दोवड़ा आसपुर रोड पर जा रहे थे। उसी दौरान भाटडा के पास पीछे से आ रही तेज गति में बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दो को मामूली चोटें आईं व एक युवक की गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक निजी बस चालक पर कार्रवाई शुरू करते हुए तलाश शुरू कर दी गई है। टाइम 8 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही फेसबुक पर टाइम 8 को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना सर्कल में रविवार को महेंद्र अपने जीजा विशाल के साथ दोवड़ा आसपुर रोड पर जा रहे थे। उसी दौरान भाटडा के पास पीछे से आ रही तेज गति में बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दो को मामूली चोटें आईं व एक युवक की गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक निजी बस चालक पर कार्रवाई शुरू करते हुए तलाश शुरू कर दी गई है। टाइम 8 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही फेसबुक पर टाइम 8 को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना सर्कल में रविवार को महेंद्र अपने जीजा विशाल के साथ दोवड़ा आसपुर रोड पर जा रहे थे। उसी दौरान भाटडा के पास पीछे से आ रही तेज गति में बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दो को मामूली चोटें आईं व एक युवक की गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक निजी बस चालक पर कार्रवाई शुरू करते हुए तलाश शुरू कर दी गई है। टाइम 8 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही फेसबुक पर टाइम 8 को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना सर्कल में रविवार को महेंद्र अपने जीजा विशाल के साथ दोवड़ा आसपुर रोड पर जा रहे थे। उसी दौरान भाटडा के पास पीछे से आ रही तेज गति में बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दो को मामूली चोटें आईं व एक युवक की गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक निजी बस चालक पर कार्रवाई शुरू करते हुए तलाश शुरू कर दी गई है। टाइम 8 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही फेसबुक पर टाइम 8 को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।